बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरी और बिल्कुल क्रंची गोलगप्पे बनके आज तैयार होने वाले हैं। और हमें यहाँ पे सिर्फ फूजीज और आटे से बनाएंगे। इसके लिए ना तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना नमक का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही हम इसमें सोडा डालेंगे और ना ही हम यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ 2 से 3 सामानों से हम ये गोलगप्पे बना के तैयार करेंगे। और ये आप देख सकते हैं सारे गोलगप्पे हमारे कितने फूले फूले तैयार हुए हैं, इसके आवाज़ को भी आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से बिना किसी झंझट पटपट के हम आज गोलगप्पे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है, छोटे छोटे स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं ना तो आप एक बार में ही गोलगप्पे को परफेक्ट बना लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए एंड तक बने रहिए और चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बीच बीच में हम बताते रहेंगे कि आपको कैसे गोलगप्पे बनाने हैं जिससे पहली बार में ही परफेक्ट बने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ले लेना है थाली। ज़्यादातर क्या होता है कि जब आटे को गूंथते हैं ना सब लोग तभी गलती करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, थाली में ले लिया है सूजी। तो सूजी को हमने इसी बाउल से मेजरमेंट किया है, आप कप या कटोरी कुछ भी ले सकते हैं। ये हमने बारीक वाली सूजी ली है, तो आप मोटी पतली कोई सूजी ले लें जो आपको मिल जाए। वैसे तो मिले तो बारीक वाली ही ले, नहीं है तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। और ये हमने पूरा भर के एक बाउल लिया है, तो भरा भी हमने किस तरह से, ये देखिए ये पूरा इस तरह से आप करेंगे ना तो इस तरह से ये पूरा बराबर होना चाहिए। बस इसी मेजरमेंट से लेना है, क्योंकि टिप नंबर 1 फ्रेंड्स यहाँ पे मेजरमेंट का बहुत ही परफेक्ट ध्यान रखें। अगर आपका मेजरमेंट गलत होता है तो गोलगप्पे तो आपके यहीं बन गए, मतलब बिल्कुल ख़राब जाने वाला है आपका गोलगप्पा। और मेजरमेंट को आप ध्यान में रखते हैं तो आपके जो गोलगप्पे हैं ना, जिसे नहीं बनाना आता, एक बार भी नहीं बनाया उसने, उसके भी गोलगप्पे परफेक्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बाउल हमने सूजी लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसे छान लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि सूजी बारीक वाली है, अगर आपके पास मोटी है तो उसे भी बनाएं, अदरवाइज अगर आप चाहें तो मोटी सूजी को भी मिक्सर जार में डाल के घुमा सकते हैं जिससे वो पतली हो जाएगी। और यहाँ पे हमने सूजी को छान लिया है, ये एक्स्ट्रा निकला है इसे हम फेंक देंगे। और ये देखिए, तो सूजी को हम इस तरह से फैला देते हैं थाली में। और इसी के साथ हमने इसमें ऐड करना है गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा हम उसी बाउल के मेजरमेंट से ले रहे हैं, तो एक बाउल हमारा सूजी था तो उससे हम आधा बाउल गेहूं का आटा ले रहे हैं। और ये देखिए, ये भी बिल्कुल पहाड़ जैसा उठा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से एक बाउल सूजी में, आधे बाउल गेहूं के आटे में परफेक्ट गोलगप्पे का वेवन डो बन के तैयार होने वाला है। तो हम गेहूं के आटे को भी छान लेंगे, क्योंकि ये हमारा शुद्ध गेहूं का आटा है तो इसमें थोड़े गेहूं के कड़ और छिलके सब निकल जाए, इसके लिए हमने इसे छान लिया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमने नमक डालना है, ना ही ऑयल डालना है, ना हम गर्म पानी का यूज करेंगे, बस इसे सिंपल सा आप क्या करें, मिक्स करें। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, हमने लिया है एक बिल्कुल नॉर्मल पानी। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ना गर्म ना गुनगुना, कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल पानी है। और इसी से हमने क्या करना है, जिस बाउल के मेजरमेंट से हमने सूजी और आटा लिया था उसी बाउल के मेजरमेंट से हम पानी भी लेंगे। तो जितना हमारा फ्रेंड्स गेहूं का आटा था सेम उतना ही हमें पानी लेना है। तो आधा बाउल गेहूं का आटा था, हमने आधा बाउल पानी ले लिया है। और ये भी पानी इतना नहीं लगेगा, इसमें से भी बच जाएगा, क्योंकि हमें बस थोड़ा सा पानी का यूज करना है यहाँ पे। और इस तरह से हमने सूजी और आटे को जो मिक्स किया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको लपेटेंगे, एक साथ पानी नहीं डालें, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसे लपेटें। तो यहाँ पे अभी इस स्टेज पे आप जो है हाथों को हल्का हल्का ही घुमाएं, बहुत टाइटली या फिर हार्डली ना घुमाएं,
बिल्कुल हल्का हल्का घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आप इसका जो है डो तैयार करें। तो यहाँ पे पहले हमने धीरे धीरे इसको हल्के हाथों से सारे सूजी को इकट्ठा कर लिया है और थोड़ा सा इसे इस तरह से प्रेस करते हुए हम मसल लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा भी वीडियो स्क्रिप्ट नहीं किया है, बस हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, जिससे कि अगर आप बिगनर्स हों तो भी आप पहली बार में परफेक्ट गोलगप्पे बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा इतना पानी जो है बच भी गया और ये हमारा डो भी तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम एक कॉटन के कपड़े या गीले कपड़े से इसको ढक करके छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो कॉटन के कपड़े से ढक दें या फिर मैं तो ढकने के बजाय इस तरह से यूज करती हूँ। तो जैसे इस तरह के बॉक्सेस हुए या फिर टिफिन वगैरह हुआ, बस मैं डायरेक्ट डो को उसमें रख देती हूँ और कवर कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाती है और ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसे रख के हम आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको ओपन करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हमारा सूजी और आटे का डो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ले लेंगे थाली और थाली में डो को रख देंगे और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करते हुए, जिससे कि डो हमारे हाथों में चिपके नहीं, बस मुझे इतना ही ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल थोड़ा सा हाथों में ऑयल अप्लाई करके अब क्या करना है, आटे को और सूजी की जो डो को हमने बनाया था अच्छे से मसल लेना है। मसलने के बाद फ्रेंड्स आप जब इसे मसलेंगे तो चिकना हो जाएगा और चिकना होने के बाद हम इस तरह से इसके पोर्शन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रेंड्स चार पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे पोर्शन को एक डिब्बे में रख लेंगे, एक निकाल लेंगे और इसे इस तरह से हम रोल करेंगे। तो यहाँ पे इसे बिल्कुल पतला सा रोल हमें तैयार करना है। तो इसकी लंबाई और मोटाई को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बस सेम यही साइज होना चाहिए, ज़्यादा अगर करेंगे तो आपके जो गोलगप्पे हैं बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान दें। टिप नंबर दो कि आपको गोलगप्पे को काटना कैसे है, इस तरह से उंगलियों के हेल्प से आप इस तरह से इक्वल साइज में काट सकते हैं या फिर आप चाहें तो नाइफ की हेल्प से आप काट सकें। हमें यही आसान लगता है और फटफट से एक साइज में ये सारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो हमने सारे जो है डो को इस तरह से कट कर लिया है पीसेस में। अब इसका हम पेड़ा तैयार करेंगे। वन बाई वन करके हमने पेड़े को तैयार कर लेना है। तो हाथ से इस तरह से रखते हुए आप मसलते हुए इसके पेड़े बना लें। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स हार्ड है इसका डो, इसलिए आसानी से नहीं बन पाता है, लेकिन आप थोड़ा सा मसल मसल के इस तरह से बनाएंगे तो सारा अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे सारे हमने डो का जो है पेड़ा बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम थाली में पलट लेंगे और इसके ऊपर से हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, आधा चम्मच जितना सूखा आटा डस्ट करेंगे। आटे को डस्ट करने के बाद हमने इस तरह से सारे जो हमने पेड़े बनाए हैं इस पर हम आटे को अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आप घुमाएंगे ना तो आसानी से सारे आटा जो है पेड़े पे अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद हम ले लेंगे एक पॉलिथीन और उसमें सारे पेड़े को हम इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इसे बाहर छोड़ेंगे तो ये सूख जाएगा, पपड़ियाँ बनने लगेंगी जिससे हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने उसे पॉलिथीन में बांध करके छोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक कपड़ा और इसे हमने अच्छे से हल्का सा गीला कर लिया है। कपड़ा आप कोई सा भी लें, बस उसे गीला कर लें। और इसके बाद हमें क्या करना है, पॉलिथीन को ओपन करना है और एक एक पेड़े को निकाल करके हमने गोलगप्पे को बेल लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या करेंगे कि हम एक एक गोलगप्पे को बेलते जाएंगे और कपड़े पे इस तरह से फैलाते जाएंगे। ये बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाता है। और फ्रेंड्स एक बात तो आप ध्यान दें, टिप नंबर थ्री ये है कि गोलगप्पे को आप फ्रेंड्स जब भी बेलें तो इक्वल साइज में बेले, ऐसा नहीं कि कहीं से मोटा कहीं से पतला हो, क्योंकि अगर मोटा और पतला होता है ना तभी जो आपके गोलगप्पे हैं वो फूलते नहीं हैं, तो फिर पपड़ी बन जाएंगी गोलगप्पे की जगह पे। तो यहाँ पे
हमने सारे गोलगप्पे को बेल लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसे वापस से उसी कपड़े का जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट रखा था उसे इसे अच्छे से ढक देंगे, जिससे ये सूखे नहीं और इस पर पपड़ियाँ नहीं बने। और इसके बाद एक हमने यहाँ पे आप क्या करना है कि एक आप इस तरह का शॉल ले लें या फिर बेडशीट ले लें और इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको ढक दें, जिससे कि हवा अंदर नहीं जाए आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हमने क्या करना है, इसे ओपन करना है। बेलने के बाद फ्रेंड्स आप गोलगप्पों को तुरंत फ्राई नहीं करें। इस तरह से हमने इसे ओपन कर दिया है और सारे गोलगप्पे हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, जो गोलगप्पा हमने पहले बेला था उसे हम पहले फ्राई करेंगे, क्योंकि पहले साइड से जो गोलगप्पा हमारा है उधर से हम फ्राई करते हुए चलेंगे। तो इधर से सारे गोलगप्पे को हम ढक देंगे और थोड़ा सा एक साइड से खुला रखेंगे और इधर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो टिप नंबर 4 है यहाँ पे फ्रेंड्स गोलगप्पे को लेकर के है, जो आपका ऑयल है ना वो बिल्कुल धुएंधार गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल धुएंधार गर्म होगा ना तो इस तरह से सारे गोलगप्पे आपके अच्छे से फूलेंगे। और यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं तो ज़्यादा एक साथ नहीं डालें, एक एक दो दो डाल के, तीन तीन डाल के या फिर चार चार डाल के फ्राई करें। और अदरवाइज अगर आप पहले से भी बनाते हों तो आप इससे ज़्यादा डाल सकते हैं, पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो दो ही तीन तीन फ्राई करें। तो इस वजह से आप क्या है कि गोलगप्पे को कढ़ाई में ट्रांसफ़र करते जाएं और इसे छेड़ते रहें, क्योंकि आप जितना इसे छेड़ेंगे आपके गोलगप्पे उतने अच्छे फूलेंगे। और यहाँ पे हमने सारे गोलगप्पों को बना के रेडी कर लिया है और ये देखिए सारे के सारे गोलगप्पे हमारे बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले हैं। और इसके आवाज़ को भी सुन सकते हैं आप, कितनी क्रंची क्रिस्पी और ये एकदम मस्त कुरकुरा गोलगप्पा बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे ये देखिए सारे गोलगप्पे हमारे बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। और इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी, बिल्कुल परतदार, एकदम बिल्कुल हल्का मुलायम सॉरी क्रंची बन के तैयार है। और ये देखिए तोड़ने पे बिल्कुल टूट जा रहा है आसानी से। तो इस तरह से आप कोई सा भी गोलगप्पा उठा के देख सकते हैं, सारे गोलगप्पे जो हमारे बिल्कुल परफेक्ट वे में बन के तैयार हुए हैं, बाजार से भी अच्छे बने हुए हैं फ्रेंड्स, ये इतना क्रिस्पी तैयार है। और ये देखिए मैं वापस से आपको दिखाती हूँ तोड़ के, ये देखिए इतना ये अच्छा बना हुआ है कि फटाफट से आसानी से टूट जा रहा है। इसका मतलब कि मुँह में जब ये जाएगा ना तो अब फिर उसकी फीलिंग्स तो आप खाते ही वक्त ही फील कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे गोलगप्पे बन के रेडी हो चुके हैं। तो आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो में कोई कमी हो तो वो भी कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।